कालचीनी प्रखंड के अधीन ओल्ड हांसीमारा सताली अंचल क्षेत्र के रहने वाले पीर मोहम्मद चिश्ती अंसारी को आज मनरेगा का पैसा दिया गया। ज्ञात हो कि पिछले करीब डेढ़ वर्षों से केंद्र सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल में मनरेगा का पैसा रोक कर रखा है। इधर इस पैसे को दिए जाने की मांग को लेकर लगातार तृणमूल कांग्रेस की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। इधर आज तृणमूल के जिला चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा, कालचीनी ब्लॉक सभापति वीरेंद्र बाड़ा उराव के हाथों मनरेगा बकाया पीड़ित में से एक पीर मोहम्मद चिश्ती अंसारी को मनरेगा के पैसे के रूप में पैसे का एक लिफाफा सौंपा गया है। इस अवसर में वीरेंद्र बाड़ा उराव ने कहा कि आलिपुर द्वार जिला में ही मनरेगा का करीब 492 करोड़ रुपया बकाया बाकी है। इसी तरह आवास योजना का पैसा भी केंद्र के द्वारा रोक कर रख दिया गया है। उन्होंने कहा कि बकाया रुपयों को लेकर सितंबर महीने में दिल्ली में इसको बड़ा आंदोलन तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में किया गया था। इस दौरान अभिषेक बैनर्जी ने जो लोग आंदोलन में शामिल हुए थे उनसे वादा किया था अगर केंद्र सरकार उनका मनरेगा का पैसा का भुगतान नहीं करती है तो उन सभी को जो इस आंदोलन में शामिल हुए हैं उन्हें MP विधायक के वेतन से इन सभी को 2 महीने के भीतर पैसा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज इसी कड़ी में कालचीनी प्रखंड में पहला मनरेगा बकाया पीड़ित को पैसे देने का कार्य अभिषेक बैनर्जी के माध्यम से किया गया है। श्री अभिषेक बैनर्जी जी ने कुछ राहत भेजे हैं यहाँ के भाई के, क्या बोलेंगे? देखिए, आप लोगों को मालूम होगा पिछले 1.5 साल से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार ने आलिपुर द्वार सहित पूरे बंगाल का, जिसमें से आलिपुर द्वार का 492 करोड़ रुपया रोक के रखी है, जिसके कारण से सितंबर महीना को हमारे प्रत्येक ब्लॉक से हम कलकत्ता होते हुए दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर में, जिसमें हमारे माननीय अभिषेक बैनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के केंद्र समिति के साधारण संपादक ने कहा था कि अगर जल्द ही अगर केंद्र की सरकार हमारे जो आंदोलन में भाग लिए हुए व्यक्ति को या हमारे बंगाल के लोगों को अगर पैसा नहीं देती है तो अपने MP MLA के फंड से जुगाड़ करके पार्टी के तरफ से वो पैसा देंगे। उसी के तहत आज हमारे पीर मोहम्मद चिश्ती अंसारी जी, ये भी कोलकाता से दिल्ली के उस आंदोलन में भागीदारी थे, तो इसी तरह से सभी को, सिर्फ आंदोलनकारी को नहीं, सभी को एक कुछ सहायता राशि देने का जो वादा किया था उसे आज पूरा किया जा रहा है, उसी का आज ही कार्यक्रम। कालचीनी ब्लॉक में क्या सिर्फ इनको ही मिला है? नहीं, बहुत सारा है, लेकिन अभी फर्स्ट किस्त में शुरुआत में मैंने कालचीनी ब्लॉक में फिर मोहम्मद अंसारी जी का। कितना लगभग रुपया उनको सहायता दिया गया? देखिए, ये है 5-7 हज़ार करके है, अब बंद लिफाफे में पैसा है उसको सहायता राशि है, मैं भी खोल के नहीं देखा हूँ, तो जाहिर सा बात है वो शायद 3 बार का काम, मैंने 42 दिन का काम नहीं किए थे तो 42 दिन का ही पैसा होगा। अब डॉक्टरों की समस्या से मिलेगा समाधान। न्यू हासिमारा में स्थित लाइफलाइन फार्मेसी में अब गाइनो, ENT, जनरल फिजिशियन, न्यूरो साइकेट्रिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्किन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज जैसे आदि डॉक्टर प्रतिदिन उपलब्ध होंगे। इस जगह दवाइयों में भी 10% तक की छूट दी जा रही है। इस जगह ECG की सुविधा भी उपलब्ध है, तो आप चिंता छोड़े और जल्द पहुँचे। हमारा नंबर है 9475994761।